गुड मॉर्निंग गाइस, प्लीज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो सर, कंग्रेचुलेशन, अरे टेंथ बहुत टेंशन नहीं लगी, ठीक है ना? किसी गल नहीं, सानू स्कोर आ गई। हां जी, दोनों भी भी सर, बहुत राइटिंग बधाई। टू अरे सेवन ना, बाकी एग्जाम वाह, ठीक से। ईटी स्कोर की अपना सर, मेरे स्पीकिंग टू सेक्स ने लिसनिंग 6.5, रीडिंग मेरे 7.5, राइटिंग मेरी 7। नाइस, सुपर, बहुत बहुत बढ़िया। दो स्टूडेंट्स के राइटिंग में 7 और एक वीजा, अरे वाह। राइटिंग का हमारा रिकॉर्ड रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे के भाई निकलेगी ही निकलेगी, 6:30 पे निकले, 7 पे निकले, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एंड वंस अगेन आई रियली डोंट वांट टू प्रमोट एनीथिंग, मैंने ना कभी इंस्टा पे एड चलाई है, ना कभी कुछ करा, ना मैंने बोला मटीरियल रिपीट होता है, क्योंकि मटेरियल रिपीट होगा, जो स्ट्रक्चर्स हमने करवाए हैं वो यूज करोगे तो बैंड आएंगे, जो टेम्पलेट्स मैंने दिए हैं, जो फॉर्मेट्स मैंने बताए हैं वो यूज करोगे तो बैंड डेफिनेटली आएंगे। एक और चीज गाइस, स्पीकिंग में अपना काम खींच के रखो, क्योंकि भाई स्पीकिंग रियली रियली हार्ड होती जा रही है। हमने भी अनलिमिटेड स्पीकिंग ऑफर अभी चला रखा है, अगले वीक तक की है। जिस किसी स्टूडेंट को स्पीकिंग में दिक्कत आती है वो 2-3 बार स्पीकिंग अपने डेली बेसिस पे कर सकता है, बट हाँ सिंगल मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होगा, सारे के सारे ही होंगे। एंड भाई आई कैन अंडरस्टैंड, अगर स्कोर नहीं भी आया तो प्लीज हथियार मत फेंकना, ठीक है ना? अगर आपने अपनी शॉर्ट गन फेंक दी तो कोई बात नहीं, मशीन गन लेके आना अगली बार। ये अपने माइंड में बिठा के रखो कि नहीं, अगर बहुत पास पहुंचो ना, अगर एक आधे में आपके 0.5 का फर्क रहता तो अपना प्लान मत चेंज करो, कैनेडा से यूके मत, दोबारा फिर से प्रिपरेशन करके दोबारा फिर से करोगे, बैंड आएंगे। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, राइट? इनके बिना भाई, सिंपल सी बात है, इनके बिना कुछ नहीं होता। फेलियर्स बहुत जरूरी है जिंदगी में, पता लगता रहता हमको। बाकी ऑल द बेस्ट जिनके स्कोर्स आए हैं, जिनके नहीं आए प्लीज मेक श्योर टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? होता रहता है, अप्स एंड डाउन जिंदगी में चलते रहते हैं, इसी को जिंदगी बोलते हैं। जिंदगी काटनी है, जिंदगी जीनी है, ठीक है ना?